गुरुद्वारे जाने के बहाने यहाँ क्या कर रही है? चल घर। किसे ढूंढ रही है? बोल। अब चल घर। तू वैसी है और एक वो तेरी निम्मी। आंटी जी गुरुद्वारे जाने दो, चल मेरे साथ गुरुद्वारे जाएगी। शन्नो आज एक काम कर ले, कच्चे आम कटवा कर छत पर सूखने डलवा देना। तुम्हें तो पता है रणबीर को आम का अचार कितना अच्छा लगता है, उसके बगैर तो वो खाना ही नहीं खाता। जी बीजी। क्या हुआ पुत्र, हाथ क्यों रोक दिए? बीजी वो प्रीत। बीजी गल दसनी है, कल सान्याल साहब अपने बेटे और बेटी के साथ यहाँ तशरीफ लेकर आ रहे। खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आरती हमारे घर की होने वाली नूह है और रोहित हमारे घर के होने वाला दामाद, पहली बार आ रहे हैं। सब कुछ अच्छे तरीके से कर देना, बस उस वक्त गड़बड़ ना हो। और हाँ ओ गुड्डो, उसको अच्छे तरीके से तैयार कराना, खरगोश की तरह बोदियाँ बनाई फिरती रहती है, अच्छी दिखनी चाहिए। आती हूँ मैं अभी। क्या गुड्डो, आज तो किचन सेट नाल खेल रही है, तेरी डॉल कहाँ है, उसके साथ क्यों नहीं खेल रही? क्योंकि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं अब घर घर ही खेलूंगी, मैं गुड़िया के साथ नहीं खेलूंगी। वाकई वाकई हमारी गुड्डो अब बहुत बड़ी हो गई है। पता है गुड्डो, कल ना मैं तुझे बहुत अच्छे से सजाने वाली हूँ, जितने लोग देखेंगे सब यही कहेंगे कि अरे वाह हमारी गुड्डू तो बड़ी सोनी लग रही है। आप मुझे सच्ची में सजाएंगी? पर आप मुझे तैयार क्यों करोगे? कल ना तेरा दूल्हा आ रहा है तुझे देखने, तुझसे मिलने पुत्र। सच्ची मेरा दूल्हा मुझसे मिलने आ रहा है? मैं ना सहरा बांधकर सफेद घोड़ी पर आऊंगा तुझे ब्याने। सफेद घोड़ी पे सहरा बांध के आएगा? ये मेरा दूल्हा आ रहा है, सफेद घोड़ी पे सहरा बांध के आएगा ये। एक तो गर्मी, ऊपर से बिजली चली गई, रब को भी पता नहीं मुझे दुख देकर क्या मिलता है। तंग पड़ गई हूँ जिंदगी से, एक तो इस घर को संभालो, ऊपर से मनहूस रानो। आ गए। मैं कह रहा था कि अरे बोलो भी रानू। बस समझ गई, समझ गई आप क्या कहना चाहते हैं, मगर आप भी इतना समझ लो कि दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, मैं टस से मस नहीं होने वाली। मैं कह रहा था कि रानू की खुशी के बारे में भी तो। नहीं कुछ नहीं सुनना मुझे, रानू की शादी मुखिया के भतीजे गुल्लू से होगी बस। लेकिन कमला एक बार रानू की खुशी के बारे में तो। क्या क्या कहा आपने, रानू की खुशी? मुखिया के खानदान का रिश्ता आपके घर चल कर आया है, आपकी बेटी डेराबस्सी की मुखिया की बहू बनेगी। और हमारा भी सोचो, पूरी बिरादरी में हमारी कितनी इज्जत होगी। आपने अपने मन की करके देख ली ना, मांग भरवा कर आई थी आपकी बेटी,
अच्छा इससे बड़े कांड का इंतजार है आपको? वो तो शुक्र करो कि ये बात इस घर की चार दीवारी में रह गई। बाहर निकल जाती ना तो लोग थू थू करते आपके मुंह पर। हाँ पर फिर भी एक हाँ पर बस लेकिन क्या हो रहा है सब? अब इसके बारे में कोई बहस नहीं होगी, समझ गए ना? हो तुम इससे पहले कि बहुत देर हो जाए मुझे एक बार मिल जाओ। हौसला रख पुत्र, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, रब ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा बीजी, एक आखिरी उम्मीद थी वो भी जलकर राख हो गई। ना पुत्र ना, ऐसा नहीं कहते। अरे प्यार किया है तो हौसला भी तो रख, ये तेरा इम्तिहान है और इस इम्तिहान में तूने सफल होना है। सफल प्यार के साथ साथ जिस दिल में हौसला और हिम्मत होती है ना, वो लोग जरूर अपनी मंजिल पा लेते हैं। तुझे भी मिलेगी कर्मा वालिया, तुझे भी मिलेगी। हाँ सुन रही है रणवीर, आग लग गई कॉलेज में, सारे के सारे रिकॉर्ड वगैरह सब बर्बाद हो गए। लो रानो को ढूंढने की एक तो उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई। क्या होया? अभी तक नाराज है मुझसे? देख रणवीर, रब में विश्वास रखता है ना। बीजी क्या कह रहे थे कि रब की मर्जी के अलावा जिंदगी में कुछ नहीं होता है। मुझे तो लगता है रब चाहता ही नहीं है कि तू उस लड़की से मिले, आए दिन रुकावटें आती जाती हैं। सोच ना, अपनी जिंदगी के बारे में सोच, रब का इशारा तो समझ। नहीं प्रीत बहन जी, अब तो मेरे और रानो के रास्ते में जितनी भी रुकावटें आएंगी मेरा इरादा और भी पक्का होता जाए, पक्का होता जाए, पक्का होता जाए, पक्का होता जाए। पीजी सही कहती है, ये मेरा इम्तिहान ही तो है, वो प्यार ही क्या जो हार मान जाए। रणवीर देख, प्यार के मामले में ना तेरी और मेरी राय कभी एक होने ही नहीं वाली है, पर तू इतना तो जानता है कि मैं तुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अरे अगर वो लड़की लूली लंगड़ी बदशक्ल होती तो मैं कभी सोचती उससे तेरी शादी करने की? चंगी कुड़ी है, अरे और कुछ नहीं तो अपने बहन का मान ही रख ले। नहीं तो होगा पता है क्या, तू राणो राणो करता फिरता रहेगा और इधर गुड्डो कवारी बैठी रहेगी, बस फिर किस में गलतियां ढूंढेंगे, तेरे में या उस राणो में? देख सान्याल साहब आ रहे आरती के साथ, एक बार मिल ले, बातें कर ले, परख ले, क्या पता तेरा इरादा ही बदल जाए। मेरा प्यार भी पक्का है और प्यार को पाने का इरादा भी पक्का है। अगर तू उस कुड़ी को ढूंढ नहीं पाया तो? ढूंढ लिया तो? मैं हार मान लूंगी, अपने हाथों से तुम दोनों की शादी करवाऊंगी, लेकिन एक शर्त है। शर्त? हाँ। कैसी शर्त? 10 दिन दे रही हूं तुझे, उस लड़की को ढूंढ सकता है ढूंढ ले, और अगर नहीं मिलती तो तू वही करेगा जो मैं चाहती हूं। उसकी नौबत ही नहीं आएगी। शुक्रिया प्रीत बहन जी, मेरे प्यार को एक और मौका देने का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पूरा यकीन है कि मैं रानो को 10 दिन में जरूर ढूंढ लूंगा।
आरती बेटा अपने आप में इतना खो गई हो कि मेरी आवाज तक नहीं सुनी तूने। पापा म्यूजिक यू नो वो सब तो ठीक है बेटा लेकिन तुम्हें अपने आप को बदलना होगा क्योंकि अब तुम डेराबसी की बहू बनने वाली हो। पर पापा डेराबसी जैसे शहर में मैं कैसे एडजस्ट हो पाऊंगी? वहाँ ना कोई डिस्को है ना कोई नाइट लाइफ है। वहाँ के लोगों की सोच कितनी पैथेटिक है। आप तो जानते हैं ना मेरी पहली शादी भी इसीलिए टूटी थी। जानता हूँ बेटा। तुम्हें डेराबसी में नहीं रहना पड़ेगा। तुम्हारी और रणवीर की शादी के बाद मैं तुम्हें चंडीगढ़ वापस ले आऊंगा। थैंक गॉड पापा। पापा आप जानते हैं पर पापा रोहित की शादी रणवीर की बहन के साथ कोई बेमेल सी शादी नहीं लगती? और मैंने तो सुना है कि लड़की थोड़ी स्लो सी है। आरती तुम तो जानती हो रोहित और गुड्डो की शादी तुम्हारी और रणवीर की शादी सिर्फ शादी नहीं है एक बहुत बड़ी बिजनेस डील है। और बिजनेस का ये पहला असूल है कि फायदे का कोई भी काम हाथ से नहीं जाना चाहिए। तुम्हारा नाम मान परिवार से छुट जाएगा और डेराबसी की जमीन रोहित के नाम हो जाएगी। एक काम करना कल जब हम जाएंगे ना डेराबसी तो ये कपड़े मत पहन के जाना। पापा पर मेरे पास तो ऐसे ही कपड़े हैं। वो बहन जी स्टाइल के कपड़े मैं नहीं पहन कर आऊंगी प्लीज। ओहो बेटा मैं जो कह रहा हूँ उसे समझो। एक काम करो कुछ ढंग के कपड़े खरीद लो जा। पर पापा रणबीर तो मुझसे शादी भी नहीं करना चाहता उसके लिए आप मुझसे इतनी मेहनत क्यों करवा रहे हैं? बाय। कूल वहां रणबीर की नहीं उसकी बहन प्रीत की चलती है और प्रीत चाहती है कि तुम्हारी और रणबीर की शादी जरूर हो। समझ गए ना? ओके आई सी यू लेटर। टेक केयर। कूल रणबीर प्रीत बहन जी की शर्त मान ली 10 दिन वाली। हाँ भाभी लेकिन अब तू उसे ढूंढेगा कैसे? कहाँ जाकर ढूंढेगा? माता रानी की सौ यहाँ ऐसी कोई जगह भी तो नहीं है जहाँ तुम दोनों पहले मिला करते थे। ओ भाभी तुसी ग्रेट हो यार। I love you. Thank you very much, भाभी. Thank you. लेकिन रणबीर हुआ क्या? अरे कहाँ जा रहा है? आकर बताऊंगा। रणबीर जानती हो तुम मुझसे दूर नहीं हो फिर भी कितने दूर हो
अपनी झलक दिखा के न जाने तुम कहाँ चले गए। रणबीर, आज यहाँ की हवाओं में तुम्हारा एहसास है, क्योंकि ये हवा तुम्हें छू कर आई है। आज भी मेरी जान बचाने के लिए आ जाओ रणबीर, मैं तुम्हारे बिना हर पल मर रही हूँ। मुझे पता है तुम जरूर आओगे, आज तुम्हें अपनी रानों के लिए आना ही होगा। बस Ready?